आपका पेपर। ओके मैम, मैं आपकी जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ, मुझे मैसेज तो आ रहा है। हाँ जल्दी जल्दी लिखो वरना आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा वरना पता चला मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। अभी आधा ही पेज हुआ है मेरा, पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर मुझे 99% आए ना तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मुझे पूरी मेरी 100% चाहिए, मुझे इतना पूरा पेज करना पड़ेगा, मतलब सारे अंश लिखने पड़ेंगे वरना मेरी 1% कट जाएंगे। हमेशा मुझे 99% आते हैं, इस बार तो मैं 100% क्या कर दूंगी, सब लिख लूंगी। और पिच चाहिए मैम, चाहिए लो। हाँ नहीं, डन। इस बार तो मैं पूरे 100% ला कर लाऊंगी और मैंने फाइल पहले ही कंप्लीट कर लिया, ये मजा आ गया। तो मुझे 5 मिनट पहले कंप्लीट करना कितनी अच्छी बात है, वाह आई एम सो हैप्पी। और एक बार और देख लेती हूँ कि मेरे सारे आंसर सही है या गलत। हाँ देख लो, बस 5 ही मिनट बचे हैं अभी, टाइम कंप्लीट हो गया ना, आया पेपर दो। मैम पर मैंने इतने सारे तो चेक किए ही नहीं थे, हे भगवान मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अब तो लगता है मैं बार फेल ही हो जाऊंगी। अरे अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में, एक बार मुझे अच्छे से चेक करने दीजिए। ओ भगवान, लिखने का भी तो टाइम नहीं है, अब तो मेरे मार्क्स, मैं फेल हो जाऊंगी इस बार, मैं तो फेल हो जाऊंगी, भगवान मेरा क्या होगा। अनाया चिट दो। मैम मैं चिट कहाँ से लाऊंगी, मैं तो कभी भी चिट नहीं लाती हूँ। हर एग्जाम में लाते हो, पहले आप अपने हेयर और कॉलर और ईयर से निकालो चिट। क्या मैम इतना ही है कुछ भी। और चिट्स दो। अब है ही नहीं मैम, तो कहाँ से। कॉलर से निकालो वरना मैं देखूंगी। बच्चों को एक बार पास भी नहीं होने देती है, हर टाइम फेल करवाने के चक्कर में रहती है, सारे चेक मेरे लिए नहीं। और है तो शांति से दे दो आप। मैं फेल हो जाऊंगी। वैसे मैम इन सब में मैंने कुछ लिखा है ना, मुझे सब याद है। सब याद है तो चिट क्यों लाए, और चिट है तो दे दो आप। हाँ मैम बस इतने ही सारे चिट है, और मैं कहाँ लाऊंगी, अब मेरी तो उतनी कैपेसिटी है इतनी ही चिट लाने की। वैसे तो मुझे सब याद है, मैं सारे लिख लूंगी। मैम तो नहीं ना है यहाँ पर, एक बार देख लेती हूँ। हाँ नहीं है, चलो उधर साइड भी देख लेती हूँ, और कोई बच्चे तो नहीं ना देख रहे हैं। अब निकालूंगी मैं अपना चिट। अब लिखती हूँ मैं जल्दी जल्दी, ऐसे कोई देख ना ले, जल्दी लिखना पड़ेगा मुझे तो, वरना मैम आ जाएंगी तो मुझे मेरा चिट भी ले लूँगी और मुझे एग्ज़ाम में भी फेल कर देंगी और मुझे एग्जाम देने भी नहीं देंगे। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखना पड़ेगा कि मैम ना आ जाए, वो मैं तो देखना ही नहीं। चलो मैंने तो सब अच्छे तरीके से लिख दिया। अरे अरे तो मैम आ रही है क्या, मेरे मुँह में नहीं आएंगी मैम, मैम नहीं आएंगी अभी जब तक मैंने लिखूँ। भगवान जी मैम को मत भेजिएगा। ना आपका कंप्लीट हो गया, जी मैम मैंने सारा अपना कर लिया है। हाँ जी मैम मैंने सारा अपना कंप्लीट कर लिया है, बोला था मैंने आपको सब मुझे याद रहेगा।
अरे अरे ये आपके बेंच के नीचे क्या है? वाइट वाइट वो तो मैं देखती हूँ अभी। अरे वो कुछ नहीं है मैम अभी ना। अरे यार कुछ भी नहीं है। अरे ये तो चिट है, आपने चिट लाया था और फिर भी मुझे नहीं दिया। अरे मैम मैंने आपको बोला ना कुछ भी नहीं, अगल बगल वाले बच्चों ने यहाँ पे फेंक दिया होगा। मत बोलो। मैं क्या जानू, मेरे सारे चिट तो आपने ही ले लिए थे। मुझ पर आप इल्जाम लगा रहे हो, मैंने कहा लिए कोई भी चिट्स? क्या मैम आप भी लाओ आपका पेपर। अरे मैम यार छोड़ दो यार, मम्मा पापा मारेंगे घर पे। अरे यार छोड़ दो, बच्चे पे दया करो जरा सा, पेपर ले लो यार, प्लीज 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 ले लो मैम प्लीज। सारे लिख दिए मैम। नहीं नहीं वो बगल वालों ने फेंक दिया होगा, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा चीटिंग आती है। मैम ना कुछ बात ही नहीं मानती। जय माता दी, जय माता दी। अरे ये क्या कर रही हो, पेपर? हाँ मैम पेपर यहाँ पे रखिए ना। जय माता दी। अरे अब भजन करोगे तो लिखोगे कब? जल्दी लिखो वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे। मुझे इस एग्जाम में फर्स्ट ले आओ। हे सिद्धू मुझे इस माँ फर्स्ट ले आओ। हे सरस्वती माँ मुझे इस एग्जाम में फर्स्ट ले आओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। इस लड़की का कुछ नहीं होगा भगवान। जय माता दी, सारे बोलो जय। चलो बच्चों टाइम से बनाया, आप अपना पेपर दो। बहुत ज़्यादा आपने भजन कर लिया, नहीं दोगी तो आप एग्जाम में फेल वैसे भी होने वाले हो और ऐसे भी स्कूल से आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप पेपर नहीं दोगे तो जल्दी जल्दी पेपर दे दो मुझे, समझे आप? अरे मैम हनुमान चालीसा भी आधा ही हुआ है, कैसे आप मेरा पेपर ले लोगे? अभी पूरा होने दो फिर पेपर ले लेना। अरे आप ये मुझे बोल रहे हो, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा जो। अरे मैम ये क्या कर रहे हो जबरदस्ती, कोई मेरा पूरा मंत्र हुआ ही नहीं है, वैसे मैं फर्स्ट कैसे आऊंगी? आधा ही में भगवान तो नाराज ही हो जाएंगे क्या मैम? अभी पेपर लेने के चक्कर में हो। पेपर दो मुझे। अरे मैम यार पूरे होने दो यार। भजन भगवान ये मैम के चलते तो मैं इस एग्जाम में भी फेल हो जाऊंगी, हमेशा तो फेल ही हो जाती हूँ मैम के चक्कर में। ये मैम पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे क्लास में। अरे तुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, बताना मुझे जरा सा। अरे यार मुझे कहाँ से आएगा, मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया तो मैं फेल ही हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं आ रहा है इसमें। क्या आपने याद किया? हाँ मैम यार मैंने कुछ भी याद नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ अगर इन लोगों को बता दिया तो मेरे नंबर ज्यादा कैसे आएंगे? जो भी आ रहा है लिखो। अरे मैम बच्ची हूँ, बख्श दो यार। आपका फेल होना तो पक्का है अब इस बार। जो भी आ रहा है बताना। अरे यार कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, बस लिख रही हूँ गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, बस ये लिख रही हूँ और क्या लिखूंगी मैं। क्वेश्चन क्यों देख रही है बार बार? क्वेश्चन नहीं देख सकती हूँ, सिर्फ एक दो अच्छा आ जाए तो बना लूंगी, वैसे भी तो मैं सही होने वाली हूँ। तो कितनी झूठ बोलते है तुझे सब आ रहा है। क्या यार बार बार टूट रही है, देखने तो दे क्या क्या है। आ गया एक दो तो क्या बनाऊंगी, नहीं तेरे वजह से मैं बैठी हुई रहूंगी। चलो चलो आप लोग बोलना बंद करो, पेपर दो जल्दी जल्दी अपने अपने। दो अनाया। हाँ मैम लीजिए ना। तो हमारा तो नहीं हुआ, बस ऐसे ही कुछ कुछ मैंने जो मुझे जो आया मैं मैंने लिख दिया। हाँ लीजिए लाओ। लो आप लोग आज का पेपर। हाँ जी पेपर लाइए, आज का मैं पेपर भर भर के लिखूंगी। हाँ लिखो अच्छे से ताकि आप पास हो जाओ। चलो मॉन्टू की पेपर को देख लेती हूँ एक बार क्या लिख रहा है। कहीं मैं लिखूँगी अपने तेज इगल वाले आँखों से। अरे ये मॉन्टी क्या लिख रहा है। चिंटू का देख लेती हूँ एक बार, शायद वो कुछ अच्छा लिख रहा हो। ये मॉन्टी को तो कुछ आता ही नहीं है। एक बार और मॉन्टी को देख लेती हूँ, सबको देख लूँगी सबको। चलो अब मैं तो सब लिख लूँगी, मुझे सब आ रहा है, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। जल्दी हो जाओ मेरा कंप्लीट, जल्दी 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 हो जाओ, जल्दी हो कंप्लीट। ठीक मैंने याद करके कुछ नहीं आया था। अनाया पेपर तो कंप्लीट हो गया था। हाँ हमारा पेपर तक कंप्लीट हो गया, बोलो तो ना मैंने आपको आज मैं सब लिख दूँगी। हाँ लीजिए मैम।
हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो फर्स्ट आने ही वाले हैं। तो गाइस ये है हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू 350 सब्सक्राइबर्स। और एक बात बताऊंगा, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो आप सबके लिए बना रही हूँ, बस आप सबके लिए और किसी के लिए नहीं, बस आप सबके लिए। और किसके लिए बनाऊंगी बोलो, आप ही सब तो हो, एक मेरे फैमिली मेम्बर एंड एक मम्मी पापा और दीदी, बस यही सब तो है मेरे फैमिली मेम्बर, और कौन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, दोबारा बोलूँगा नहीं पता फिर भी बोल देती हूँ, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो फिर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कर देना कर देना कर देना, और एडिट करने में बहुत मेहनत लगेगा बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 400 का टारगेट है ना, जल्दी जल्दी पूरा कर दो जल्दी जल्दी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, 350 हो गए, 150 की हमारी जल्दी जल्दी फैमिली हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या ठीक है, बाय, आई लव यू ऑल, बाय।